भीगने के बाद सबका सब जो है ना बिना कपड़ा का देखो देखो ताज होटल। हे गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं कल्याणपुर, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही बेहतरीन मेला लगा जाता है कल्याणपुर में, और अभी हम लोग कुछ देर में पहुंच जाएंगे वहां पर। निकलने से टाइम तो ब्लॉग नहीं कर पाया, बट अभी मैंने स्टार्ट किया क्योंकि काफी क्रिटिकल कंडीशन में मैं निकला था वहां से। तो बने रहे वीडियो के एंड तक और देखे ब्लॉग और मौज करें। जो जो भी कल बारिश के कारण नहीं आ पाए या आज के दिन नहीं आ पाए, वो वीडियो में देख के पूरा मौज ले छा जाएंगे गुरु, एकदम पूरे लास्ट तक बने रहो, मौज ही मौज है। तो और ये कल्याणपुर का मेला रोड पर का ये दृश्य है। अभी आप लोगों को मैं ताज होटल का बना हुआ पंडाल भी दिखाऊंगा, बट उससे पहले आप लोग ये रोड पर का दृश्य देख लें। काफी बेहतरीन सजावट अगर माना जाए तो पूरे मुंगेर जिले में बड़ी दुर्गा माँ के बाद यहीं का होता है। बड़ी दुर्गा माँ के वहाँ तो उतना जगह नहीं है जिस कारण इस तरह का पंडाल बन पाए, बट यहाँ पे स्पेस रहने के बाद इतना बेहतरीन सजावट किया जाता है कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ के अलावा और कहीं भी इतना बेहतरीन सजावट नहीं किया जाता है। बने रहे वीडियो में एंड तक। तो अभी हम लोग गाड़ी लगा के पार्क करके अच्छे जगह पर और निकल चुका है अंकेश का। ये अंकेश का अभी डिमांड था ब्लाउज बनाने का साया नहीं ब्लाउज ना, हाँ ब्लाउज बनाने का, ब्लॉग नहीं ब्लाउज, ब्लाउज ब्लाउज। तो टेलर हम कब बन गए पता ही नहीं चला ब्लॉगर से। एंड अभी नहीं चलेगा अच्छे से। अब जा रहे हैं हम लोग पंडाल के लिए और ये है रास्ता। बारिश की भी मौसम है, बिजली तो कड़क रही है, बट देखते हैं बारिश अगर ना ही हो तो आज बेहतरीन है, क्योंकि बारिश होने के बाद ना जो भी दुकानदार लोग हैं मेला में उनको बहुत ज़्यादा नुकसान है। जो भी अपना जमा पूंजी करके दुकानदारी के लिए पूंजी लगाए हुए हैं, सामान लाए हुए हैं, उनका सेल नहीं होगा तो उनको नुकसान बहुत ही भारी मात्रा में होगा। कल तो पूरा का पूरा मार्केट मंदा पड़ गया मेला में दुकान लगाने वालों का। तो आज अगर बारिश नहीं होती है तो अच्छी खासी बजट में सबके सब सामान मिठाई वगैरह सब निकल जाएगा, कुछ भी खराब नहीं। तो माँ दुर्गा से यही कामना रहेगी कि आज बारिश ना हो। और पंडाल देखने के लिए आप लोग एंड तक बने रहे, जा ही रहे अभी रास्ते में है, बहुत जल्द दिखाऊंगा। जय माता दी। तो अभी मेन दरवाजे पे पहुंच गए हैं पंडाल के लिए जाने के लिए। तो आप लोग देख भी सकते हैं वॉल टीवी पे अंदर का सारा दृश्य दिखाया जा रहा है CCTV के द्वारा। और ये है माँ बड़ी दुर्गा महारानी कल्याणपुर का प्रवेश द्वार। काफ़ी भीड़ भाई, सोच से भी ज़्यादा, अनलिमिटेड यार, गजब। इस साल का तो भीड़ पिछले साल के तुलना में और भी ज़्यादा, अगर यही बारिश हो गई रहती तो भीड़ बहुत कम लगे थे। कल के तुलना में तो मुझे लग रहा है कि भीड़ अभी बहुत ज़्यादा है। कल तो इतनी भीड़ नहीं थी जैसा मैंने अपने दोस्तों लोग से पता किया था। कल मेरे एक दो दोस्त आए थे, इस तरह का कुछ भी भीड़ नहीं था। सो देखिए वीडियो में आपको मैं एक एक चीज़ बारीकी से दिखाऊंगा, कुछ भी छूटने नहीं दूंगा। जो भी लोग कल्याणपुर मेला देखने नहीं आ पाए वो हमारे वीडियो के माध्यम से आराम से देख सकते हैं। तो सब्सक्राइबर बने रहे वीडियो के। फोटो वाले भैया चले भाई आगे फोटो चलिए फोटो हो गया निकल सकते। जगह डिपेंड नहीं करता है दोस्त, डिपेंड करता है इसको सजाया जाए कितना बेहतरीन। यहाँ गली वाला जगह है तो गली के जैसा सजाया खुला जगह रहता। तो ये दिखा हम लोगों को पंडाल ताज होटल। सो यहाँ से थोड़ी थोड़ी सी झलक आ रही है, जूम करके जितना दिखा पा रहा हूँ। बाकी इस सामने से जाके पूरा मैं आपको 360 रोटेशन में दिखाऊंगा, बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है।
क्या गए हो कहे इनके सिर के आगे जेब ना लगा शौक लग गया देख के यार। अच्छा इसको देख के आज शौक लग गया है बच्चे को। तुम्हारे जैसे कितनों को शौक लगेगा जो कि नहीं आ पाया, वीडियो में देख के इतना मिस करेगा इस प्लेस को कि कहने की बात नहीं है। सो जो भी नहीं आ पाए हैं वो वीडियो के मामले वीडियो को देख के फुल मजा लेंगे, ये तो हमारी गारंटी है। एंड तक बने रहो बस। शेरहा ताज होटल का एक झलक आप लोगों के सामने। और ये है ताज होटल कल्याणपुर। मेला का मजा लेते हुए कल्याणपुर रोडवेज में, ओहो अखंड अखंड मेला इसी को कहते हैं। चाहे बारिश हो या सैलाब आ जाए फिर भी दर्शक मेला आएंगे तो आएंगे। तो अभी बारिश के कारण मेला हो गया चौपट, तो अभी जा रहे हैं हम लोग घर। मेला में और भी बहुत इंजॉय करते लेकिन मजा नहीं आया बारिश के कारण, पूरा चौपट हो गया, पूरा भींग वींग गया हूँ। छिपने का कोशिश किया फिर भी जा रहा हूँ घर, तो बने रहे गाड़ी में बैठ के बताता हूँ आप लोगों को आगे की कहानी। तो अभी यार बारिश में पूरा भींग गया हूँ, जैसा कि देख रहे हो हालत पूरा एकदम, मतलब मेला का तबाही उड़ गया भाई। बारिश अगर नहीं होता ना बहुत मजा आने वाला था, बहुत सारी चीजें दिखाता आप लोगों को, अभी स्टेज शो वगैरह हो रहा था सब दिखाता, सब का सब कैंसिल हो गया। जुखाम हो गया इतना जल्दी, देखो कौन हुला करा इधर से कमीना विशुद्ध डॉट डॉट डॉट। खैर मेला घूमने से ज्यादा मजा तो हम लोग को गाड़ी में बैठ के आ रहा क्योंकि नजारा देख सकते
भीगने के बाद सबका सब जो है ना बिना कपड़ा का देखो देखो बच्चा गिरते गिरते मेरा फोन पूरा जाम लगा हुआ है। एक घंटे तो लगते हैं हमें कल्याणपुर से बरियारपुर जाने में, एक घंटा लग जाता तो बरियारपुर से कल्याणपुर जाने में एक घंटा लग जाता है। आप लोग वीडियो देख के कमेंट जरूर कर रहे हैं कैसा वीडियो लगा। जय हिंद जय भारत।